कह रहा है कि इन फिगर 6.16, यही आपका फिगर 6.16 है, इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई को जोड़ने पे वो वाई प्लस सॉरी डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर हो रहा है, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर हो रहा है। तो आपको बोल रहा है कि देन प्रूफ दैट कि ए ओ बी इज अलाइव, तो प्रूफ करिए कि ए ओ बी इज अलाइव। अब एक बात बताओ तुम कि ए ओ बी को अगर लाइन प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा? उस लाइन के ऊपर का सारा एंगल 180 डिग्री हम प्रूफ कर दें, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ए ओ बी एक लाइन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हमको प्रूफ करना है कि अगर ए ओ बी एक लाइन है तो मतलब जैसे हमको गिवन जो है वो लिख देते हैं पहले। गिवन क्या है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, और साथ में हमको टू प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। तो इसी का और मतलब क्या निकालेंगे कि ए ओ बी को अगर लाइन प्रूफ करना है तो आप ये प्रूफ कर दो कि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, डब्लू प्लस जेड प्रूफ कर दो, क्योंकि हम देख रहे हैं साफ रूप से कि x और y ऊपर वाला एंगल टोटल है और w और z नीचे वाला एंगल है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब जरा इसमें ये सोचो कि क्या हम लोग ये बोल सकते हैं प्रूफ में कि x प्लस वाई प्लस डब्लू, या फिर ऐसे लिखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, पूरा एक तरफ से लिखना शुरू करो, माने x से शुरुआत करो, x y z और w पूरा कंप्लीट कर दो, घूम जाओ पूरा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू का वैल्यू 360 डिग्री होगा? का है कारण क्या देंगे ब्रैकेट में, अ कंप्लीट एंगल एट पॉइंट ओ के ऊपर एक कंप्लीट एंगल है, ये सही बात है। अब हम कह सकते हैं कि हमें गिवन क्या है, x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, तो निश्चित रूप से हम लोग x प्लस वाई के जगह पे W प्लस जेड भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई जो है W प्लस जेड के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं W प्लस जेड, ये वाला को प्रिंट कर देते हैं जेड प्लस डब्ल्यू को, और ये लिख देते हैं 360 डिग्री। अब कहेगा कोई हमसे कि आपने x प्लस वाई के जगह पे W प्लस जेड कैसे लिख दिया, तो हम कह देंगे कि फ्रॉम वन गिवेन इक्वेशन नंबर एक से हमें ये दिया गया है, और गिवेन वाली क्वांटिटी को ही आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर वन। अब देखो कि W और W दो बार आ रहा है तो टू टाइम्स ऑफ W हो गया, Z और Z दो बार आया है तो टू टाइम्स ऑफ Z हो गया, और ये हो गया 360 डिग्री। तो टू कॉमन ले लो, तो टू कॉमन ले हुए तो टू प्लस Z बचेगा बराबर 360 डिग्री। अब टू को उधर भेज दो, तो यानी कि W प्लस Z बराबर 360 और डिवाइडेड बाई दो, क्योंकि दो मल्टीप्लाई में था, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब तुम बताओ कि W प्लस अगर Z 180 डिग्री है तो क्या X प्लस वाई भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि W प्लस Z जो है वही X प्लस वाई के भी बराबर है, W प्लस Z जो है वही X प्लस वाई के भी बराबर है। तो इसका मतलब अगर W प्लस Z भी 180 डिग्री आ गया और X प्लस वाई भी अगर 180 डिग्री आ गया, तो x और y 180 डिग्री आ गया, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, एक एग्जाम पढ़े थे ना कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो जो नॉन कॉमन रे होता है वो एक लाइन बनाता है। ये x और y दो एंगल का सम एडजेसेंट एंगल है, उनका सम 180 हो चुका है,
तो कॉमन रे तो हमारा ओ सी हुआ, क्योंकि इस एंगल को भी बनाने में ओ सी यूज हुआ है और इस एंगल को भी बनाने में हमारा ओ सी यूज हुआ है। तो नॉन कॉमन रे कौन हुआ? ओ ए और ओ बी। तो हम कह सकते हैं कि नाउ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इज, या ऐसे लिखो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, सो ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन, प्रूव्ड। क्या ये बात समझ में आया? ये एग्जाम हम लोग 5.1 पढ़े थे, उसमें भी ये बात बताया गया था, 5.1 या 5.2, जो भी दो एग्जाम है उसमें से। तो प्रिंट कर लीजिए इसको भी।